एक घने जंगल में एक चालाक बंदर रहता था। उसका नाम था मोटू। मोटू बहुत चंचल और नटखट था। उसे तरह तरह की शरारतें करना बहुत पसंद था। उसी जंगल में एक बलवान भालू भी रहता था, जिसका नाम था भोला। भोला बहुत ही सीधा और भोला भाला था। मोटू और भोला बहुत अच्छे दोस्त थे। भोला अपनी ताकत पर बहुत घमंड करता था। मोटू अक्सर अपनी चालाकी से भोला को चिढ़ाता रहता था। भोला को मोटू की शरारतें कभी कभी अच्छी लगती थीं, तो कभी कभी बुरी भी। एक दिन मोटू और भोला जंगल में घूम रहे थे। वे दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे और अक्सर जंगल की सैर पर निकल जाते थे। जंगल की हरियाली और वहां की ताजगी उन्हें बहुत पसंद थी। तभी उन्हें एक ऊंचे पेड़ पर कुछ लिखा हुआ दिखाई दिया। वे दोनों बहुत ही उत्सुक हो गए और तुरंत उस पेड़ के पास गए। पास जाकर देखा तो पता चला कि वह तो जंगल के राजा शेर का फरमान था। फरमान में लिखा था कि सभी जानवरों को तुरंत शेर के दरबार में हाजिर होना है। शेर ने जंगल के सभी जानवरों को अपने दरबार में हाजिर होने का हुक्म दिया था। शेर का फरमान सुनकर मोटू और भोला थोड़े चिंतित हो गए, लेकिन वे जानते थे कि शेर के आदेश का पालन करना जरूरी है। मोटू और भोला शेर के दरबार में पहुंचे। दरबार में पहुंचते ही उन्होंने देखा कि वहां पहले से ही बहुत सारे जानवर इकट्ठा हो चुके थे। वहां सभी जानवर इकट्ठा थे। हर कोई शेर के अगले आदेश का इंतजार कर रहा था। सभी जानवरों के चेहरे पर उत्सुकता और थोड़ी सी चिंता भी थी। शेर ने गरजते हुए कहा, मैं कुछ दिनों के लिए दूसरे जंगल जा रहा हूँ। मुझे वहाँ कुछ महत्वपूर्ण काम निपटाने हैं। मेरे जाने के बाद तुम सबको मिलकर जंगल की रक्षा करनी होगी। शेर ने आगे कहा, तुम सबको एकजुट होकर इस जंगल की सुरक्षा करनी होगी। अगर कोई भी समस्या आती है तो तुम सबको मिलकर उसका सामना करना होगा। मोटू और भोला ने एक दूसरे की ओर देखा और सिर हिलाकर शेर की बातों से सहमति जताई। सभी जानवरों ने शेर की बातों को ध्यान से सुना और उसकी अनुपस्थिति में जंगल की रक्षा करने का संकल्प लिया। शेर ने सभी जानवरों को शुभकामनाएं दी और जंगल की ओर चल पड़ा। सभी जानवरों ने शेर को जाते हुए देखा और मन ही मन उसकी सुरक्षा की कामना की। शेर के जाने के बाद मोटू और भोला ने अन्य जानवरों के साथ मिलकर जंगल की सुरक्षा की योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि वे सभी मिलकर जंगल की रक्षा करेंगे और किसी भी खतरे का सामना करेंगे। इस प्रकार मोटू और भोला ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर जंगल की रक्षा का जिम्मा उठाया और सभी जानवरों ने मिलकर शेर के आदेश का पालन किया। जंगल में शांति और सुरक्षा बनी रही। शेर के जाने के बाद जंगल के सभी जानवर अपनी अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हो गए। शेर के बिना उन्हें अपनी सुरक्षा की चिंता सताने लगी। हर कोई सोच रहा था कि अब जंगल में कौन उनकी रक्षा करेगा। तभी मोटू ने एक तरकीब सोची। वह गहरे विचारों में डूब गया और एक योजना बनाने लगा। उसे पता था कि उसे कुछ करना होगा ताकि जंगल के जानवर सुरक्षित महसूस कर सकें। उसने भोला से कहा, भोला भाई, हमें शेर का रूप धारण करना चाहिए। अगर हम शेर की तरह दिखेंगे तो कोई भी जानवर हमसे डरकर जंगल में घुसने की हिम्मत नहीं करेगा। भोला को मोटू की बात सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। वह थोड़ा डर भी गया। उसने सोचा कि यह कैसे संभव हो सकता है। भोला को मोटू की बात समझ नहीं आई। उसने कहा, लेकिन मोटू, हम शेर का रूप कैसे धारण करेंगे? ये तो नामुमकिन है। भोला ने मोटू से पूछा, क्या तुमने इस बारे में सोचा है? हमें शेर की तरह दिखने के लिए क्या करना होगा? मोटू हंसते हुए बोला, अरे भोला भाई, तुम चिंता मत करो, मैंने इसका उपाय सोच लिया है। हमें बस कुछ चीजों की जरूरत होगी। मोटू ने भोला को अपने प्लान के बारे में बताया। उसने कहा, हम कुछ पत्ते और टहनियां इकट्ठा करेंगे और उन्हें अपने ऊपर लपेट लेंगे। इससे हम शेर की तरह दिखेंगे। भोला ने मोटू की बात मान ली और दोनों ने मिलकर पत्ते और टहनियां इकट्ठा करना शुरू कर दिया। वे दोनों मिलकर शेर का रूप धारण करने की तैयारी करने लगे। जंगल के अन्य जानवर भी यह देख रहे थे और वे भी मोटू और भोला की मदद करने के लिए आगे आए। सभी ने मिलकर एक टीम बनाई और शेर का रूप धारण करने की योजना को सफल बनाने में जुट गए। अंत में मोटू और भोला ने शेर का रूप धारण कर लिया। सभी जानवर उन्हें देखकर बहुत खुश हुए और सुरक्षित महसूस करने लगे। अब उन्हें किसी भी खतरे का डर नहीं था। इस तरह मोटू की तरकीब ने जंगल के सभी जानवरों को सुरक्षित और खुशहाल बना दिया। सभी ने मिलकर एकजुटता और साहस का परिचय दिया। मोटू ने भोला को एक गहरे गड्ढे के पास ले जाकर कहा, भोला भाई, तुम इस गड्ढे में चले जाओ, मैं ऊपर से शेर की तरह दहाड़ूंगा। तुम्हारी दहाड़ सुनकर कोई भी जानवर जंगल में आने की हिम्मत नहीं करेगा। भोला मोटू की बातों में आ गया और गड्ढे में कूद गया।
लेकिन गड्ढा इतना गहरा था कि भोला उसमें से बाहर नहीं निकल पा रहा था। वह चिल्लाने लगा, मोटू मुझे बाहर निकालो, मैं यहाँ फंस गया हूँ। मोटू ने भोला को गड्ढे में फंसा देखकर अपनी गलती पर पछतावा हुआ। उसने भोला से कहा, चिंता मत करो भोला भाई, मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा। मोटू ने इधर उधर देखा तो उसे एक मजबूत रस्सी दिखाई दी। मोटू रस्सी लेकर गड्ढे के पास आया और उसे नीचे लटका दिया। उसने भोला से कहा, भोला भाई इस रस्सी को कसकर पकड़ लो, मैं तुम्हें ऊपर खींच लूंगा। भोला ने रस्सी को कसकर पकड़ लिया। वह बहुत डर गया था क्योंकि गड्ढा बहुत गहरा था और उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और मोटू ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे ऊपर खींचना शुरू कर दिया। मोटू का चेहरा पसीने से तरबतर हो गया था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह जानता था कि उसकी दोस्ती की परीक्षा का समय आ गया है। मोटू छोटा था, इसीलिए उसे बहुत जोर लगाना पड़ रहा था। उसकी छोटी छोटी टांगें कांप रही थीं, लेकिन उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी। वह जानता था कि अगर उसने हिम्मत नहीं दिखाई तो भोला गड्ढे में ही फंसा रह जाएगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और आखिरकार भोला को गड्ढे से बाहर निकाल लिया। मोटू की आंखों में खुशी के आंसू थे क्योंकि उसने अपने दोस्त को बचा लिया था। भोला भी बहुत खुश था और उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। भोला गड्ढे से बाहर आते ही मोटू से लिपट गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह खुशी के आंसू थे। उसने मोटू को कस कर गले लगाया और उसकी पीठ थपथपाई और बोला, धन्यवाद मोटू, तुमने मेरी जान बचाई, मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मोटू ने मुस्कुराते हुए कहा, दोस्ती में एहसान नहीं होता भोला, हम हमेशा एक दूसरे की मदद करेंगे। मुझे माफ करना, मैं अपनी ताकत पर इतना घमंड करता था। मुझे लगता था कि मैं सबसे ताकतवर हूँ और मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है, लेकिन आज तुमने मुझे सिखाया कि असली ताकत दोस्ती में होती है। मुझे समझ आ गया है कि चालाकी भी उतनी ही जरूरी है जितनी की ताकत, और सबसे जरूरी है सच्ची दोस्ती जो हर मुश्किल को आसान बना देती है। मोटू और भोला ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुराए। उनकी दोस्ती और भी गहरी हो गई थी। कुछ दिनों बाद शेर अपने दूसरे जंगल से वापस आ गया। उसने सुना कि मोटू और भोला ने मिलकर जंगल की रक्षा की है। शेर बहुत खुश हुआ और उसने दोनों को अपने पास बुलाया। शेर ने मोटू और भोला से कहा, तुम दोनों ने मिलकर बहुत अच्छा काम किया है, मुझे तुम दोनों पर गर्व है। मोटू और भोला ने शेर को सारी बात बताई कि कैसे उन्होंने मिलकर जंगल की रक्षा की। शेर मोटू और भोला की कहानी सुनकर बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा, तुम दोनों ने यह साबित कर दिया है कि एकता में ही बल है। चाहे तुम छोटे हो या बड़े, कमजोर हो या ताकतवर, अगर तुम एक साथ मिलकर काम करोगे तो कोई भी मुश्किल तुम्हें हरा नहीं सकती। मोटू और भोला ने शेर की बात ध्यान से सुनी और वादा किया कि वे हमेशा एक दूसरे की मदद करेंगे और मिलकर जंगल की रक्षा करेंगे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी ताकत पर घमंड नहीं करना चाहिए और न ही दूसरों की कमजोरी का मजाक उड़ाना चाहिए। हमें हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और मिलकर रहना चाहिए, क्योंकि एकता में ही